आज के छोड़ो, मैं तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको इसमें जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सभी क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम से बताऊंगा, ठीक है? तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, इस तरह से दे दिया और पूछा गया इनका योग आपसे पूछा गया, ठीक है? अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो इसका मान किसके बराबर होगा, इसमें आपसे यही पूछा गया, ठीक है? तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है? कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले ये क्या करिए, यहाँ पे जो संख्या दी गई आप यहाँ पे लिख लिए, ठीक है? 63 दी गई आप 63 आप लिख लिए। अब आपको ये चेक करना है कितनी संख्या के ऊपर बार है, तो मैं देख रहा हूँ 2 संख्या के ऊपर बार है, तो जितनी संख्या के ऊपर बार रहेगा उतना ही नीचे क्या करना आपको 9 लिखना पड़ेगा, बटा करके 9 लिखना, ना क्लियर है? फिर क्या करना आपको यहाँ पे भी जो संख्या दी गई आप यहाँ पे लिख लिए, कितना 37 दिया गया 37 आप लिख लिए। अब 2 संख्या के ऊपर बार है तो नीचे कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा, तो यहाँ पे कितना 80 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 99। अब करना है कि इन सभी को जोड़ना है, ठीक है? तो आपको ये पता कि अगर हर समान रहते हैं, ठीक है, अगर हर समान रहते तो अंश आपस में क्या होते हैं, डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। तो क्या करना आप यहाँ से नीचे क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा, अंश डायरेक्ट क्या होंगे आपस में जुड़ जाएंगे। अगर आप इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे तो कितने मिल जाएगा 180 आपको मिलेगा, 180 मिलेगा, ठीक है? अब इससे क्या करना आपको भाग देना है, ठीक है? अब कि 9 से ये भी कटेगा 9 से भी कटेगा, तो ये 9 दुना 18 हो गया और ये 9 कम 9। अब इससे क्या करना आपको इसमें भाग देना है, अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी 11 से 20 में भाग देना, अगर आप इसे इसमें भाग दें 11 कम 11 हो गया और बचा कितना 9, यहाँ पे मैंने दशमलव लगाया तो वहां पे कितना हो गया 90 हो गया। अब इससे क्या करना आपको इसमें भाग देना, तो भाग कितनी बार जाएगी 11/8 88 11/8 88 और बचा कितना यहाँ से आपका कितना बच गया 2 बच गया, ठीक है? फिर 2 बच गया, यहाँ पे कितना 0 लग जाएगा, यहाँ पे 20 हो गया, तो फिर आपका यही मिलता रहेगा, ठीक है? 81, ठीक है, इस तरह से आपका ये मिलता रहेगा 81, इस तरह से आपका मिलता रहेगा, बार बार ये रिपीट होता रहेगा। तो आप इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं 1.81 के ऊपर क्या कर सकते हैं आप बार कर सकते हैं, इसका मतलब ये कि 81 क्या हो रहा बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है? ये इसका क्या गया आंसर, ये इसका क्या गया आंसर। तो देखिए कौन से उसका मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है? और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मेरी एक अलग से वीडियो बनी है जिसका नाम है बार क्वेश्चंस, ठीक है? बार क्वेश्चंस के नाम से वीडियो बनी है, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पूरा डिटेल मैंने आपको बताया, बिल्कुल बेसिक से जोड़ बुरा भाग घटाना सब कुछ मैंने आपको बताया बार वाले क्वेश्चन के, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, इसमें अगर आप सभी को जोड़ेंगे तो इसका मान किसके बराबर होगा, इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है? तो कैसे आप जोड़ेंगे, पीछे से आपको जोड़ना है, ठीक है? इस तरह से क्या करना आपको जोड़ना है, अगर आप जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, एक एक मिल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है? 4 हो गया। अब क्या करना आपको इसको और इसको और इसको लेना, तो कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। अब ये बचा और ये बचा कितना हो गया 2, अब इसमें सिर्फ 1 बच गया, ठीक है? अभी आपके पास क्या बच गया, ये वाला बचा 1/2 1/2 1/2, ठीक है? 1/2 और 1/2 मिलकर मिस आधा और आधा मिल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इतना क्लियर है? यहां से आधा और आधा मिल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 2 आपको मिलेगा। तो इसमें क्या करिए, आप 2 जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए कितना मिल जाएगा 1236 आपको मिलेगा, कितना मिल जाएगा 1236 आपको मिलेगा, ये इसका क्या गया आंसर। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, इस तरह से दे दिया और पूछा कि अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो इसका मान किसके बराबर होगा, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करा के दिखा रहा हूँ, ठीक है? इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पहले वाले स्टेप में आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? क्या हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, क्या जैसे यहाँ पे कितना है, ठीक है? क्या हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, क्या 1/2 - 1/3 कितना हो जाएगा 3। इस चीज को ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, कैसे देख लेते हैं। अगर आप इन दोनों के एलसीएम कितना मिल जाएगा, एलसीएम कितना मिल जाएगा 2 × 3 मिलेगा, ना क्लियर है? अब इसका गुणा इधर कर लीजिए और इसका गुणा इधर कर लीजिए, यहाँ पे कितना 3 हो गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 2। अगर आप 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 1 मिल जाएगा और नीचे कितना है 2 × 3, यानी ये इस चीज के बराबर आगे कि नहीं गए, यानी इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते, लिख सकते। तो यही चीज हम लोग क्या करें, इसको इस तरह से लिखने जा रहे हैं, ठीक है? इस चीज को हम लोग क्या करें, इस तरह से लिख रहे हैं। तो आप यहाँ से लिख लिए कितना हो गया, ये 1/2 हो गया और ये -1/3, बाकी आगे वाला प्रोसेस क्या करें इसी तरह से हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा -1/4 हो जाएगा, लिख सकते नहीं लिख सकते। फिर यहाँ से कितना हो जाएगा
एक बट्टे चार हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा, एक बट्टे पांच। इस तरह से आपका ये चलता रहे। तो लास्ट वाला स्टेप क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से कितना हो जाएगा, एक बट्टे नौ हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, एक बट्टे दस। इतना क्लियर है। अब कि क्या इसमें कुछ कट पिट रहा है आपस में, ये देखिए ये प्लस माइनस में है और ये प्लस में, ये वाला माइनस में एक बटे तीन है और ये प्लस में एक बटे तीन है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहां से ये रिजेक्ट हो जाएंगे और ये भी कहीं ना कहीं कट जाएगा और ये भी कहीं ना कहीं कट जाएगा। तो बचा कि आपका शुरू वाला बच गया और अंत वाला बच गया। तो आप यहां से लिख लिए एक बटे दो बच गया और यहां से माइनस कितना हो गया, दस। ठीक है, अब इतना क्लियर है। अब करना है कि इन दोनों क्या करिए, आप जोड़ना है। ठीक है, इन दोनों क्या करना, आपको घटा दीजिए। तो एलसीएम लेकर आप घटा लीजिए। अगर आप इन दोनों के एलसीएम मिलेंगे तो कितना मिल जाएगा, दो गुणे दस मिलेगा। इसका गुणा इधर कर लीजिए कितना, दस मिल जाएगा, और इसका गुणा इधर कर लीजिए कितना मिल जाएगा, दो मिल जाएगा। तो यहां से आठ बटा कितना हो गया, यहां से बीस हो गया। देखिए चार से ये भी कटेगा, काट के छोटा के लिए चार दोनों आठ हो गया और ये चार पच्चे बीस, तो कितना मिल जाए आपको, दो बटे पांच आपको मिलेगा। ठीक, अगर आप इसे सॉल्व करें तो इसका मान किसके बराबर होगा, दो बटे पांच के बराबर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर। इसमें आपको यही समझना कि पहले वाले स्टेप को लोग कैसे कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। बाकी सेम प्रोसेस हम क्या करें, सभी स्टेप को ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन फोर देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि इस तरह से दे दिया और इक्वल टू कितना 97 होता है, एन का मान आपसे पूछे गए। ठीक है, तो कैसे आप इसे सॉल्व करें, सबसे पहले ये देखिए क्या सभी में एन आपको दिख रहा है क्या, तो हम लोग क्या करें, सभी में से एन बाहर कॉमन ले रहे हैं, एन क्या कर लिए, कॉमन ले। यहां से कितना बच गया आपका, एक बच गया। कितना बच गया, एक आपका बच गया। और यहां से कितना बच गया, दो बटे तीन बच गया। यहां से कितना बच जाएगा, एक बटे दो। और यहां से कितना जाएगा, एक बटे सात। और इक्वल टू कितना है, यहां से 97। अब करना है कि इन सभी को आपको जोड़ना है। ठीक है, अगर आप इन सभी को साइड में करके जोड़ लिए, ठीक है, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितने मिल जाए आपको, 97 बटा कितने मिल जाए आपको, 42 आपको मिलेगा। 97 बटा कितना मिल जाएगा, 42 आपको मिलेगा। और पहले से कितना है, n। और इक्वल टू कितना ये है, 97। तो 97 से 97 रिजेक्ट हो गया, यहां से बचा कितना, n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 42। ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन फाइव देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, तीन क्रमागत पूर्णांकों का योग 54 मीन्स 54 है, तो सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इसमें यह कहा गया कि तीन क्रमागत संख्याओं का योग कितना, 54 है। तो प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया, सबसे छोटी संख्या क्या है उन तीनों संख्याओं में, आपसे यही पूछा गया। ठीक है, तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले ये देखिए कितनी संख्याओं का ये योग है, तीन संख्याओं का योग। कितनी संख्याओं का योग, तीन संख्या। जैसे आप इसमें तीन से भाग दें तो आपको मध्य वाली संख्या आपको पता चल जाएगी। ठीक है, अगर आप इसे भाग दें, तीन एकम तीन हो गया और दो इधर गया, तीन बटे 24। मध्य वाली संख्या आपको पता चली, एक इसके आगे संख्या रहेगी और एक इसके पीछे रहेगी, और संख्याएं कैसी, क्रमागत संख्याएं। तो प्रश्न में पूछा क्या, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो 18 से पहले कौन सी संख्या आएगी, 17 आ जाएगी। ठीक है, उन तीनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या होगी, 17 होगी। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सी देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि इस तरह से दे दिया और इक्वल टू कितना, 55 हो, तो इसका मान आपसे पूछा गया है, यानी इसका मान किसके बराबर होगा, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको दिख रहा है और इस तरह से आपको दिया है, तो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या इन सभी में, मैं देख रहा हूँ इन सभी में 6 कॉमन दिख रहा है। अगर मैं क्या कर दू, 6 सभी में से कॉमन ले लू, 6 सभी में से कॉमन लू, अंतर क्या बच जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा और ये 6 दुना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये 6 त्रिका 18 हो जाएगा, और 6 चौको 24 हो जाएगा। तो इस तरह से ये डॉट डॉट करते करते आपको ये क्या हो जाएगा, प्लस 6 दहा में 60 हो जाएगा। इसके बीच में ये डॉट डॉट रहेगा। ठीक है, इसके बीच में इस तरह से डॉट डॉट रहेगा, 6 दहा में कितना हो जाएगा, 60। अब देखिए इसका मान आपको पता है, इसका मान किसके बराबर है, 55 के बराबर है। तो इसके क्या कर सकते हैं, आप 55 रख सकते हैं। आप यहां से क्या करिए, 55 आप यहां से 6 गुणे 55। अब इन दोनों को क्या करना, आपस में गुणा कर लेते, इन दोनों का गुणा करें, 6 पच्चीस 30 हो गया, और 6 पच्चीस 30 तीन कितना हो गया, 33 हो गया। यानी आपको ये पता चलिए इसका मान किसके बराबर होगा, 330 के बराबर। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि इस तरह से दे दिया और पूछा कि इसका मान किसके बराबर होगा। ठीक है, अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो इसका मान किसके बराबर होगा, इस क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा गया। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, दो तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जो सबसे फास्ट है। इसमें देखिए क्या दिया गया, इस तरह से दिया कितना, यहां तक कहां तक, ये 50 तक है।
फिर 50 से क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, 50 से क्या कर दिया, रिवर्स करके इसने लिख दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, करना के यहाँ पे जो संख्या दी गई आपको करना है कि आप इसका क्या करिए, आप स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ पे जो लास्ट वाली संख्या दी गई, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो जो लास्ट वाली संख्या दी गई इसका क्या करिए, आप स्क्वायर कर लीजिए। अगर आप 50 का स्क्वायर कर लें कितना मिल जाएगा, 50 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा, 2500 आपको मिलेगा। ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब इससे फास्ट ट्रिक नहीं हो सकती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इससे फास्ट ट्रिक अब नहीं हो सकती, जो संख्या दी रहेगी इसका क्या करिए, आप स्क्वायर कर लिए, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन एट देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि इस तरह से दे दिया और इसका मान किसके 55 के बराबर हो तो इसका मान आपसे पूछा गया। ठीक है, इसका मान आपसे पूछा गया, तो सबसे पहले ये देखिए कैसी संख्या आपको दिख रही है, सभी विषम संख्याएं दिख रही है और सभी के स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला आता है, आप यहाँ पे लिखिए, आप यहाँ पे लिख लिया विषम संख्याओं के वर्गों का योग, आप फार्मूला पे यहाँ पे लिख लिया विषम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, आप फार्मूला आप यहाँ पे लिख लिया विषम संख्याओं के वर्गों का योग, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपका ये होता है एन एन प्लस वन हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एन प्लस टू हो जाएगा, और पूरे कपड़ा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। एन का मान आपको पता है, यहाँ से एन का मान कितना दिया गया, 19 दिया गया, तो इसमें रख के सॉल्व कर लिया क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप यहां से कर लिए 19 हो गया, अब 19 में अगर एक जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 20 मिल जाएगा। अब 19 में क्या करिए, दो जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा आपको, 21 आपको मिलेगा, बटा कितना हो गया, 6 हो गया। अब कि दो से ये कटेगा और दो से ये कटेगा, कार्ड के छोटा कर, यहाँ से दो दहा में 20 हो गया और दो तिया 6, इसको यहां से डिवाइड कर दो 3 7 21 हो गया। अब इन सभी का क्या करना, आपस में गुणा करना, अगर आप इन सभी का आपस में गुणा कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1330 आपको मिलेगा, कितना मिल जाएगा आपको, 1330 आपको मिलेगा। ये इसका क्या गया, आंसर। तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, 1330, तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि 1 का क्यूब 2 का क्यूब इस तरह से डॉट डॉट आपको दे दिया, इसका मान इसके बराबर है, इस तरह से दिया और इसका मान किसके बराबर, इसके बराबर हो तो इसका मान आपसे पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले ये चेक करिए क्या इन सभी में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, मैं देख रहा हूँ सभी में 4 कॉमन दिख रहा है, सभी में 4 कॉमन दिख रहा है, क्या करना आपको, 4 कॉमन ले लिए, तो यहां से क्या बच जाए आपका, 1 बच जाएगा और यहां से 4 बटे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अगर आप इसको यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8 हो गया, 4 × 7 = 28 कितना हो जाएगी, 27 हो जाएगा, और ये प्लस डॉट डॉट इस तरह से आपका दिया गया, यहां से ये लेंगे कितना हो जाएगा आपका, 1000 आपका। ठीक है, तो हम इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं क्या, इसको इस तरह लिख सकते हैं क्या, 1 का क्यूब कर सकते, कोई फर्क नहीं है, इसको क्या कर सकते हैं आप, 2 का क्यूब आप कर सकते, कोई फर्क नहीं, इसको क्या कर सकते हैं आप, 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 3 का क्यूब आप लिख सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं आप, 10 का क्यूब आप कर सकते हैं। तो ये देखिए आपको कुछ इस तरह आपको दिख रहा है, इसकी तरह आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह से लिखेंगे तो आपको ये देखिए इस तरह से आपको दिख रहा है, इसके फॉर्मेट में दिख रहा है, और इसका मान किसके बराबर है, इसके बराबर है, इन सभी का मान किसके बराबर है, इन सभी के बराबर है, तो इन सभी के क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, इसका मान लोग क्या करें, अगर इन सभी के बराबर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये चीज रख सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहां से कर लीजिए, तो यहां से कितना हो जाएगा, 3025 हो जाएगा। ठीक है, 3000 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इन दोनों का क्या करना, आपस में मल्टीपल करना, अगर आप इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 12100 आपको मिलेगा। ठीक है, ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, इसमें आपको इसका मान पता है, 1 का क्यूब 2 का क्यूब इस तरह से इसका मान आपको दिया गया, इतना दिया गया, तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, ये चीज रख लिया। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर लिया, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 10 देखा जाए, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या दिया गया है, 1 का क्यूब 2 का क्यूब + 3 का क्यूब इस तरह से डॉट डॉट आपको 11 का क्यूब आपको दिया है, तो पूछा कि इनका मान किसके बराबर होगा, इस क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, और ये देखिए क्या, 1 का क्यूब यानी क्या, प्राकृतिक संख्याओं का घन आप दिख रहे हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का घन आपको दिख रहा है, तो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, आप यहाँ पे लिख लिए कि प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग, इसका क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पर यह होता है एन हो जाएगा और एन प्लस वन हो जाएगा, और ये पूरे कपड़ा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इन सभी का क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर हो जाएगा, इन सभी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। एन का मान आपको पता है, यहाँ से एन का मान कितना दिया आपको, 11 दिया गया, तो जहां पे एन इसका कितना रख सकते हैं आप, 11 रख सकते हैं आप, यहाँ पे रखिए,
तो यहाँ से 11 हो गया, अगर आप 11 में एक जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा आपको, 12 मिल जाएगा, बटा कितना हो गया, और पूरे की पावर कितना हो गया यहाँ से, इसको यहाँ से डिवाइड कर दूं तो 6 बार में कट जाएगा। अब करना है कि अगर आप इससे प्रसार करेंगे 11 की रेंज कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 36 हो गया। अब इन दोनों का क्या करना है, आपस में गुणा करना है। अगर आप इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे कितना मिल जाएगा, 4356 आपको मिलेगा, 4356 आपको मिल जाएगा, ये इसका क्या गया आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, 4356, तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का आपका ये फार्मूला है, इसी फार्मूले के साथ हम लोग क्या करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।